कैसे हैं आप? आज हम लेके आए हैं 8वीं 10वीं और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए सुनहरा मौका। 8वीं और 10वीं पास भी कर सकता है इसमें अप्लाई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पूरे नोटिफिकेशन रीड से लेके फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ, उसके बाद हम करेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में बात। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करने वाले हम नोटिफिकेशन के, तो नोटिफिकेशन रीड करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपके लिए 8वीं और 10वीं पास भी अप्लाई कर सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मांझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में अप्रेंटिस की वैकेंसी आने के लिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत जो होने वाली है आपकी ट्रेनिंग उसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपके ग्रुप में बांटे गए, ग्रुप कै खे गए ऐसे बांटा गया। तो ग्रुप के में हम बात करने वाले जो कैंडिडेट सिर्फ 10वीं पास हैं, जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं वो ग्रुप ए में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड, उम्र और वेतन के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो 10वीं पास कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन के लिए इसमें आपके लिए टोटल 40 पद हैं और 2 वर्ष का आपका इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसमें फर्स्ट ईयर आपको प्रथम छः माह 3,000 रुपये, उसके बाद 9 महीने 6,000 रुपये और तीसरे साल आपको 6,600 रुपये मिलते हैं। इसमें जो आपकी एज मांगी है 15 से 19 साल मांगी है फ्रेंड्स, और 1/7/2022 को आपका एज काउंट होने वाला है फ्रेंड्स। फिटर के लिए 42 वैकेंसियाँ हैं, पाई फिटर के लिए 20 वैकेंसी है, 40 स्पेशल कैटेगरी, 20 स्पेशल कैटेगरी के लिए, 40 जनरल कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स। स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 42 कैटेगरी वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं वर्ग बी के बारे में जो आईटीआई पास है फ्रेंड्स, आईटीआई वालों के लिए। तो फ्रेंड्स आईटीआई वालों के लिए जो वैकेंसी आईटीआई फिटर वालों के लिए 50 हैं टोटल वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के 20 हैं, आईसीटी एसएम के लिए 20 है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 20 है फ्रेंड्स, पाई फिटर के लिए 20 है फ्रेंड्स, बेल्टर के लिए 20 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए 20 है फ्रेंड्स, और कारपेंटर के लिए 20 है फ्रेंड्स। इसका जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 वर्ष का रहने वाला है फ्रेंड्स, और इसमें आपको जो वेतन मिलता है 8,050 रुपये इन ट्रेडों के लिए मिलता है, 5 से 8 सीरियल वाले के लिए और 9 से 12 सीरियल वाले के लिए 7,700 रुपये, और जो इसमें आपकी एज मांगी गई है 16 से 21 साल मांगी गई है फ्रेंड्स, जो आपकी एज काउंट होने वाली 1/7/2022 को काउंट होने वाली है। अब फ्रेंड्स तो अब बात करते हैं हम वर्ग ग की, जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण जो कैंडिडेट 8वीं पास है, सिर्फ 8वीं पास के लिए है, जिसमें रैगर के लिए और गैस बेल्डर और इलेक्ट्रिक बेल्डर के लिए है। रैगर के लिए 31 और गैस इलेक्ट्रिक बेल्डर के लिए 40 वैकेंसी है। रैगर के लिए जो अवधि रहने वाली है आपकी ट्रेनिंग की 2 वर्ष रहने वाली है फ्रेंड्स, और गैस बेल्डर के लिए 1 वर्ष 3 महीने का अवधि रहने वाला है फ्रेंड्स। इसमें जो वेतन मिलने वाला है 2,500 रुपये प्रथम 3 महीने के लिए, 9 महीने उसके बाद 9 महीने के लिए 5,000, उसके बाद तीसरे वर्ष आपको 5,500 रुपये मिलने वाले हैं। इसमें जो आपकी एज मांगी गई है 14 से 18 वर्ष मांगी गई है फ्रेंड्स, जो आपकी एज काउंट होने वाले 1/7/2022 को काउंट होने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे हम बात करते हैं एज रिलेक्शन के बारे में, जो एज इसमें गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल जो है एसटीएससी के लिए 5, ओबीसी के लिए और फिजिकल एज जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल होने वाले फ्रेंड्स। शैक्षिक योग्यता की हमने बात कर चुके ही हैं, 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी है जो मैं हमने पहले बताई है आपको, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक डाल देंगे, उस पर क्लिक करके आप संपूर्ण डिटेल पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाके पढ़ सकते हैं। ये जो वैकेंसी है 8वीं पास कैंडिडेट के लिए है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं हम एज प्रूफ के लिए, आपको 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ्रेंड्स, आप एज में छूट चाहते हैं, और नोट एक्सेप्टेड ऐसे फोरकास्ट प्रूफ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करें ये गाइडलाइंस है दिव्यांग कैटेगरी, दिव्यांग स्पेशल पर्सन के लिए, जो आप नोट वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीयता, राष्ट्र नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए फ्रेंड्स,
अर्ज प्रक्रिया जो फॉर्म एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया जो इसमें शुल्क रहने वाला है फ्रेंड्स आपका एस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹100 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी कैंडिडेट के लिए निःशुल्क रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, जो चयन प्रतिक्रिया है उसके बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है 10वीं उत्तीर्ण वालों के लिए, जो इंग्लिश व जीके के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, गणित मैथ के 25, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड्स। खैर जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए इंग्लिश व जीके के 25, ट्रेड थ्योरी के 25, वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं सामान्य के 25, इंजीनियर के 25, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। रेगर जो है 8वीं पास वाले उनके लिए 25 इंग्लिश जीके के, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, गणित के 25, जो स्टैंडर्ड ये सब आईटीआई स्टैंडर्ड से आएंगे या 10th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से पेपर होने वाला है फ्रेंड्स। 70% हेट्रेड थ्योरी व 25 इंग्लिश व जीके के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। जो आपके ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो रहने वाले हैं केंद्राचा, जो आपके मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद रहना वाला है फ्रेंड्स। और बाकी जो आगे की प्रतिक्रिया है आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख के पढ़ सकते हैं। और जो चयन प्रतिक्रिया है फ्रेंड्स, इसमें जो चयन की प्रतिक्रिया है 3 चरणों में संपन्न होगी। आपकी चयन प्रतिक्रिया सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका उस जो यहाँ पे मैंने बताई थी डिटेल दोबारा वही सेम डिटेल्स हैं फ्रेंड्स। सिलेक्शन जो प्रोसेस आपके सीबीटी कंडक्ट कराया जाता है उसके बेस पे होता है फ्रेंड्स। तो एग्जाम वो बता चुका हूँ मैं पहले आपको, मुंबई, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद में होने वाला है फ्रेंड्स। सेकेंड स्टेट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड अलॉटमेंट होती है फ्रेंड्स, और ये होने के बाद आपका, और जो थर्ड स्टेट होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में हम शेयर कर देंगे, नोटिफिकेशन का लिंक वहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके जो बात करते हैं डिटेल्स के बारे में, फॉर्म स्टार्ट 7/7/2022 से फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट जो रहने वाले है 21/7/2022 रहने वाले है, इससे पहले पहले कि आप फॉर्म का लास्ट डेट फॉर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। योग और आयोग उम्मीदवारों की सूची की जो घोषणा होने वाली है, घोषणा की तिथि 24/7/2022 को, जो कैंडिडेट एलिजिबल है सिलेक्टेड है उनका और जो नॉट सिलेक्टेड है उनकी लिस्ट डल जाएगी। उसके बाद पात्र जो आवेदक की अंतिम तिथि जो रहने वाली है 27/7/2022 रहने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हॉल टिकट जो जा रही है संभावित होंगे 27/7/2022 को होने वाले हैं। और जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा संभावित तिथि जो है कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम 30/7/2022 को कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाएंगे और कैरियर पे क्लिक करेंगे, इसका भी हम आपको डायरेक्ट लिंक भी दे देंगे, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके अपने घर पे बैठ कर ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद ये विंडो खुल जाएगी, उसमें अप्रेंटिस पे क्लिक करना है फ्रेंड्स और नए खाता बनाए क्रेडिट न्यू अकाउंट में क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना टाइटल सब टाइटल चूज करना है, उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है फ्रेंड्स। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल देना है अथवा खाली छोड़ देना है, लास्ट नेम डाल देना है फ्रेंड्स। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना प्राइमरी ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, आपको अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आपके अल्टरनेट है आपके पास ईमेल आईडी तो डाल सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर डालना है अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालना है, नहीं तो स्किप कर देना है। और यहाँ पे यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है फ्रेंड्स और आगे सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपको एक लिंक मिलेगा अपनी ईमेल आईडी पे, वहाँ पे जाके आप उसको वेरीफाई करना है लिंक को और यहाँ पे लॉगिन करना है फ्रेंड्स। आईडी पे लिंक आ जाता है, उस लिंक पे आपको वेरीफाई करना पड़ता है, वैलिड लिंक पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद लिंक आपका एक्टिव हो जाता है और आपका यूजर नेम और पासवर्ड हो जाता आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद भी आपको एक मेल आ जाता है, उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाते हैं, और इसका भी आप एक बार
उससे पहले प्रिंट ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड, उसके बाद ही या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या प्रिंट ले लेंगे फ्रेंड्स। पे कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूज़र आईडी डाल देना है, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल देंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल देंगे फ्रेंड्स और लॉगिन कर लेंगे फ्रेंड्स। लॉगिन होने के बाद आपका ये आ जाएगा, आपको किस पोस्ट से आप बनना चाहते हैं, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में पूछा जाएगा, आप ग्रुप सी में वो भर सकते हैं। जैसे ये वाला 8 8वीं से है, ये 10वीं क्लास से आप भर सकते हैं, और ये वाला आपको आईटीआई मांगेगा। तो जैसे मैं 10वीं से भरना चाहता हूँ, 10वीं पे क्लिक करूँगा, व्यू एलबीटी क्राइटेरिया क्लिक करने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसमें मिनिमम 50% जनरल जो मांगा गया मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए आपकी, वो मांगी गई है फ्रेंड्स। पेड जो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से आपका पेड है, जो जॉब रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 19 साल एज मांगी गई है, ओबीसी एसटी के लिए 24 मांगा गया है, और बाकी आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं यहाँ भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और हम करेंगे हम अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पर करेंगे। ये कंडीशन आईटीआई नॉट अलाउड है, आईटीआई कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड दिस सेक्शन ए ए के लिए, तो इसमें यस करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो इसमें सारी अब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद कितनी पोस्ट हैं, कितना क्या सब कुछ आ जाने वाला है, कितना बेचना है, जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम प्रूव एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, यू हैव अप्लाइड एनी अदर जॉब, तो यस करा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे हमने नहीं किया है तो मैं नो करने वाला हूँ। तो यहाँ आप अपना फादर नेम डालने वाला हूँ, मैं फादर नेम डालूंगा, मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम डालने वाला हूँ, डाल दूंगा। मेल मैंने पहले सेलेक्ट किया, ये ओनली इंडियन एलिजिबल है तो ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक मैंने डाल दिया था पहले। मैरिटल स्टेटस फ्रेंड्स मांगा है तो मैं अनमेरिड अनमेरिड डालूंगा। डोमिशियल मांग रहा है आप कहाँ के निवासी हैं, तो मैं राजस्थान को तो राजस्थान डालने वाला हूँ, आप जहाँ के वो डाल लें। आप टेस्ट सेंटर मांगेगा आप कौन सा मांगो, पुणे नागपुर मुंबई, वो भी जो डाल देना। जैसे मैं मुंबई भरने वाला हूँ मुंबई भरूंगा, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। फिजिकली हैंडीकैप नहीं, हमने वहाँ भरा था, यहाँ आ गया। रीजन आप हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन है वो यहाँ भरेंगे, और अदर है तो अदर करके डाल देंगे। मैं हिंदू, मैं हिंदू डालने वाला हूँ। अपनी कैटेगरी पूछ रहा है, मैं कैटेगरी डालने वाला हूँ फ्रेंड्स। चिल्ड्रन ऑफ आर्म, अब मैं मेरे कोई कोई फैमिली से इस आर्मेड फोर्स में नहीं है तो मैं नो करने वाला हूँ, अदरवाइज यस करें आप। आपको अपना यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है फ्रेंड्स, आपको अपना एड्रेस डाल देना। एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिटी चूज कर लेनी है अपनी। उसके बाद पिन कोड डाल देना है फ्रेंड्स, पिन कोड, और नेक्स्ट कर देना है। उसे आपको 10th का इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है, जैसे मैं BSER अजमेर से किया है तो वो डालूंगा। ये पूछ रहा है आपके, आपने ईयर ऑफ एडमिशन, आपने कब एडमिशन लिया था उसके बारे में, तो मैं अपना एडमिशन का इसमें डालने वाला हूँ कि मैंने कब एडमिशन लिया है फ्रेंड्स। अपनी वो डाल दूंगा। पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आपके पास कब किया है, वो मैं अपना पासिंग ईयर डाल देने वाला हूँ इसमें। तो जब भी आपने उस मार्कशीट पे लिखा होता है, जब भी आपने पास किया हो अपना, वो लिख देना फ्रेंड्स, पासिंग ईयर लिख देंगे फ्रेंड्स। कितने मार्क आपको आए हैं वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको जितने मार्क आपके आए हैं, टोटल मार्क कितने थे, तो टोटल 600 600 थे, 600 में से फुल टाइम था पार्ट टाइम था वो लिख देंगे। आपका डिवीजन जो था वो लिख दें, ट्रेड फॉर अप्लाई, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई, मैं इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करूँगा इलेक्ट्रिशियन को दूंगा, आप फिटर पाइप फिटर स्ट्रक्चरल फिटर, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है वो भर सकते हैं। एडिशनल कोई इन्फो है आपके पास अकेडमिक वगैरह तो भर सकते हैं, अकेडमिक रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है तो भर सकते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, ये प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या कोई है या नहीं है एम्प्लॉय, या नो कर देंगे हमारा अपना नहीं है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा इसके अंदर,
तो फोटो अपलोड कर देना है फ्रेंड्स, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको फोटो मांग रहा है, आपका होल्ड जेपीजी में होनी चाहिए, 700 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फोटो को इसके बाद आपको फोटो स्कैन कर देना है, इसके अंदर स्कैन करके अपने डेस्कटॉप या मोबाइल में रखना है और अपलोड कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है अपना और नेक्स्ट कर देना है फ्रेंड्स। अब 10th के सर्टिफिकेट के बारे में जो डालना होता है उसके बारे में, अपना 10th का सर्टिफिकेट डाल देंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको बर्थ प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट डाल देंगे, कास्ट प्रूफ मांग रहा है तो उसके लिए कास्ट प्रूफ डाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इफ एनी अब यदि आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर देते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड्स। आपका फॉर्म हो गया, फुलफिल हो गया, अप्लाई हो गया, तो लास्ट अपना सब कुछ देखने के बाद डॉक्यूमेंट डिटेल को चेक कर लेंगे। सारे डिटेल को चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड व्यू कर देना है फॉर्म को, फॉर्म का प्रिंट ले लेना है फ्रेंड्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।